अफ्रीकी देश बोत्सवाना में पिछले दो महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय मौत हो गई है। मामला ओकावांगो डेल्टा का है, जो देश के उत्तरी हिस्से में है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं। हाल ही में हाथियों की सैटेलाइट से ली गई कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो चौंकाने वाली हैं। दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। हाथियों की रहस्यमय मौत का पहला मामला मई में सामने आया था। इसके बाद लगातार मौत हुई है और जून के अंत तक आंकड़ा 350 को पार कर गया है। सरकार ने लैब में जांच कराई है, लेकिन अब तक नतीजे सामने नहीं आए हैं। वैज्ञानिकों ने सरकार से हाथियों की जांच करने का आग्रह किया है, ताकि ये साफ हो सके कि इनसे इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही इंसानों से कोई संक्रमण इनमें पहुंचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाथियों को एक सर्कल में घूमते हुए भी देखा गया था। इन्हें देखकर लग रहा था या तो बैक्टीरिया वायरस के कारण इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है, या फिर जहर शरीर में पहुंचा है। डॉक्टर नियाल मैकेन के मुताबिक शवों को देखकर लगता है कि कुछ ने एक झटके में दम तोड़ा है, क्योंकि हाथियों का मुंह जमीन की तरफ है। कुछ की मौत धीरे धीरे हुई है, जब वे चल फिर रहे थे। ऐसा किस तरह के जहर से हुआ है कहना मुश्किल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शवों के आसपास गिद्ध नहीं मंडरा रहे हैं, इसलिए मौत की वजह जंगल से बाहर की कोई चीज हो सकती है।